सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक टीम बनाई। टीम में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और वकील साधना रामचंद्रन शामिल। बातचीत से नहीं निकला रास्ता तो प्रशासन मामले को देखेगी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक, सरकार के खिलाफ विरोध का भी हक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को परेशान करके विरोध किया जाए। संजय हेगड़े ने कहा सभी पक्षों से बात करेंगे ताकि मामले को सही तरीके से हल किया जा सके, जिससे सभी पक्षों के अधिकारों का भी सम्मान हो। एडवोकेट संजय हेगड़े से मिली दिल्ली पुलिस के अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर अपने सुझाव साझा किए हैं। शाहीन बाग में धरने पर बैठे बुजुर्ग महिलाओं का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट जिसे भी बातचीत के लिए भेजेगा उनसे बात की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान होगा। कपिल सिब्बल ने शाहीन बाग के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार अपना काम नहीं करना चाहती, इसलिए शाहीन बाग का मसला खींच रहा है। शाहीन बाग पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा समय लेकर गृह मंत्री से बात कर सकते हैं प्रदर्शनकारी। शाहीन बाग प्रदर्शन और रोड ब्लॉक मामले पर अब सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने प्रदर्शन का वैकल्पिक जगह बताने को कहा है। देश भर के 154 प्रबुद्ध लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। CAA, NPR और NRC पर भ्रम फैलाने पर एक्शन की मांग की। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वालों में कई पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट शामिल है। देश की छवि को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया। दिल्ली के जामिया का एक और वायरल वीडियो सामने आया। जामिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर 12 लोग निशाना लगाकर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। 15 दिसंबर के वीडियो को दिल्ली पुलिस ने जारी किया। शाम 5:10 का है वीडियो। चेहरे ढककर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं लोग। 15 दिसंबर का ही शाम 6:20 का एक और वीडियो सामने आया। लाठी डंडे से लैस नजर आ रहे हैं छात्र। पुलिस का दावा, उपद्रवी पथराव के बाद लाइब्रेरी में भागकर दाखिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा पर सख्ती दिखाई। दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। पुलिस को 25 फरवरी तक देना है जवाब। जामिया हिंसा का एक और नया वीडियो आया। लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस। अब तक कुल 7 वीडियो सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे लखनऊ में हिरासत में लिए गए। नागरिकता कानून के विरोध में मार्च के दौरान पुलिस ने रोका। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की। तौकीर रजा पर संभल में CAA के विरोध में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम की आज अलीगढ़ कोर्ट में पेशी। अलीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पूछताछ के लिए अर्जी लगाई है। CAA प्रोटेस्ट में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। कानपुर प्रशासन के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को लागू करने से इनकार किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सता रहा है भारत कटर रिफ्यूजी समिट में कबूला। एक और शरणार्थी संकट का सामना कर सकता है पाकिस्तान। CAA के बहाने मुसलमानों को डराने की पाक प्रधानमंत्री की नापाक कोशिश। का भारत की अति राष्ट्रवादी विचारधारा से तबाही फैल सकती है। पाकिस्तान के सिंध में 50 हिंदू परिवार भागकर आए। भारत बोले अब वापस नहीं जाना चाहते, भारत के नागरिक बनकर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों ने सुनाई दिल दहलाने वाली अपनी बात। कहा पाकिस्तान में हिंदू नरक की जिंदगी जी रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया जाता है। निर्भया के कातिलों का नया डेथ वारंट जारी। 3 मार्च सुबह 6:00 दी जाएगी फांसी। तीसरी बार तय हुई फांसी की तारीख। चारों कातिलों विनय, मुकेश, अक्षय और पवन को एक साथ ही मिली फांसी। नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां ने जताई खुशी। कहा उम्मीद है कि 3 मार्च को होगी फांसी। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। CM केजरीवाल अपने पास कोई विभाग नहीं रखेंगे। सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा। राजेंद्र पाल गौतम को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास ही रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में रिकॉर्ड सफलता के बाद देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। 23 फरवरी से 23 मार्च तक 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। दिल्ली के आप सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं कैलाश गहलोत। रिपोर्ट के मुताबिक 46 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। 2020-21 के लिए आज योगी सरकार पेश करेगी। उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ हो सकता है योगी सरकार का बजट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के काम के लिए CM योगी ने औचक निरीक्षण किया। 29 फरवरी को PM करेंगे चित्रकूट में एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। पठानकोट में BJP सांसद सनी देओल का बड़ा बयान। कहा सभी जानते हैं मुझसे ज्यादा पिटाई कोई नहीं कर सकता। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के राज्यसभा में भेजने पर कांग्रेस में संशय बरकरार। पार्टी ने किसी भी तरह के अनुमान जताने पर चुप्पी साधी। भीमा कोरेगांव मामले की NIA जांच से नाराज। शरद पवार की NCP मंत्रियों के साथ बैठक। सरकार के कामकाज की समीक्षा की। राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले उनके कारों की फ्लीट गुजरात पहुंची। US एयरफोर्स प्लेन अहमदाबाद आया। गुजरात के CM विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया। कहा इतिहास में पहली बार सीधे वॉशिंगटन से अमेरिका का राष्ट्रपति का अहमदाबाद आना गौरव की बात। आगरा में ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। केंद्र ने यूपी सरकार को आधिकारिक जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर के बालाकोट में फिरा ने जवानों के 120 mm के मोर्टार को डिफ्यूज किया। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर रहने वाले नागरिकों को निशाना बनाकर दागा गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा महात्मा गांधी के कल्पनाओं का भारत नहीं, गांधी जी को भी कभी हिंदू होने पर लज्जा नहीं हुई। अलग अलग भाषाओं में लिखने वाले कॉलमिस्ट से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिलने की खबर पर हंगामा, बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा, टीएमसी ने चुप्पी साधी। आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा रिजर्वेशन वंचितों का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संवैधानिक सुधार की मांग की। आरक्षण के मसले पर बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, है सरकार से रिव्यू पिटीशन फाइल करने की मांग की गई। पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रांची में हुए कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। 14 साल बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी का बयान, का झारखंड घूमने का एक्सपीरियंस अब पार्टी के काम आएगा। एमपी के सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य में विवाद जारी, सिंधिया ने अब मैनिफेस्टो के मुताबिक नियोजित टीचर्स को रेगुलर करने की मांग की। किसान कर्ज माफी पर पीछे हटने के बाद कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बंद की, खाली खजाने का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, महिलाओं के अत्याचार पर कड़ी सजा देने वाले दिशा कानून पर जानकारी देंगे। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की मुश्किल बढ़ी, 2015 के पाटीदार आंदोलन केस में गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव YP सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार, 600 करोड़ के PWD घोटाले में चल रहे थे फरार। कोलकाता, जयपुर और चेन्नई में कई गोल्ड शोरूम पर ईडी की छापेमारी, 27 किलो सोना, 12 किलो चांदी के साथ 4.25 करोड़ की करेंसी जब्त हुई। महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। कॉम्बैट ऑपरेशन छोड़कर 10 विभागों में कमीशन देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में आदेश लागू करने को कहा। महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने पर लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने जताई खुशी, फैसले को बताया ऐतिहासिक। जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर पुलिस सख्त, कई लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए केस, पुलिस ने फेक न्यूज से बचने की सलाह दी। ओडिशा असेंबली ने ओबीसी कमीशन अमेंडमेंट बिल पास किया, सीएम नवीन पटनायक ने बताया ऐतिहासिक कदम। राष्ट्रपति कोविंद ने दमन में हाईटेक हेल्थ सेंटर और आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया, पहले की तुलना में और ज्यादा बेहतर सुविधाएं। बेंगलुरु में जम्मू कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश समेत दुनिया भर के निवेशकों के प्रस्ताव पर विचार। दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट लेकर वुहान जाएगा एयर इंडिया का एक और प्लेन, चीन में फंसे बाकी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वुहान से लाए गए 400 भारतीयों में 200 लोगों को ITBP आइसोलेशन सेंटर से रिहा किया गया, फाइनल टेस्ट में कोरोना का लक्षण नहीं मिला। ऑपरेशन वुहान में शामिल एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिला PM का प्रशंसा पत्र, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बांटा लेटर। आज से उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर CCTV से भी रखी जा रही है निगरानी। मुंबई में मंदिर की दान पेटी चुराने वाले 3 चोर गिरफ्तार, चोरी से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं। मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी, दिल्ली के कमला नगर से सीरियल किलर को किया गिरफ्तार, 2019 के पवई इलाके में मर्डर केस में थी तलाश। गाजियाबाद के कबीनगर इलाके में NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन, सीवर लाइन में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन, 2 घायल 1 की मौत। मुंबई के मझगांव में GST भवन में भीषण आग, कई फीट ऊपर तक फैला धुएं का गुबार, 5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का हंगामा, मुआवजे में बढ़ोतरी और प्लॉट में 10% शेयर को लेकर अथॉरिटी के मेन गेट पर धरने पर बैठे किसानों ने नोएडा अथॉरिटी का मेन गेट तोड़ा, पुलिस के साथ की भारी धक्का मुक्की। अमेठी में गौरीगंज टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल के पैसे मांगने पर दबंगों ने लाठी डंडों से कर्मचारियों की पिटाई की। UP के चंदौली में GRP ने हथियार समेत तस्करों के इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा, हजारीबाग से मुरादाबाद में होनी थी डिलीवरी। गुजरात के बनासकांठा में शेड्यूल कास्ट के युवक के शादी के दौरान हंगामा, घोड़ी पर बैठने को लेकर 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, पुलिस की मदद से हो पाई शादी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंटरस्टेट कार चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने कई चोरी की गाड़ियों समेत 6 लोगों को पकड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु में PFI कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, बिना पुलिस परमिशन के मदनी नगर से 1.5 घंटे तक जुलूस निकाला। राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाली खबर, कम से कम 30 मोर एक साथ मृत पाए गए, मोरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मामले की जांच जारी। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग लोगों के पास से करीब 59 लाख का सोना बरामद, दोनों दुबई से भारत आए थे। जोधपुर में 2 झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर पकड़ा, दोनों इलीगल प्रैक्टिस करते रंगे हाथ धरे गए। लुधियाना में STF ने 2 लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, एक के पास से 20 ग्राम जबकि दूसरे के पास से 582 ग्राम हेरोइन बरामद। चेन्नई में कस्टम अधिकारियों ने करीब 7 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की, बाजार में कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए। असम के विश्वनाथ में गैंडा ने जबरदस्त उत्पात मचाया, गैंडे के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। बंगाल के बर्दवान में कई लोगों के बैंक खातों में पैसा आया, बैंक के बाहर खाता धारकों की लाइन लगी।
राजस्थान पुलिस ने बंचलों से निपटने के लिए स्कूली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की क्लास दी। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान डीजीपी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। श्रीनगर में डल गेट के पास आग में जलकर 3 हाउस बोट और 3 घर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना के कालीदास रंगालय में टीवी कलाकार विजय कुमार की पत्नी ने किया हंगामा। एक्टर पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर महिला से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बात की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दिखा दुर्लभ तेंदुआ। चीन बॉर्डर के नजदीक दिखे स्नो लेपर्ड की तस्वीर वायरल। ब्रसल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर का व्यस्त कार्यक्रम। बेल्जियम के व्यापार मंत्री बिल होगन से मीटिंग के बाद की यूरोपियन सांसदों और अधिकारियों के साथ डिनर। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1700 तक पहुंची। 70,000 से ज्यादा लोग अभी भी पीड़ित। जापान में कोरोना वायरस की डर की वजह से टोक्यो मैराथन पर रोक। 1 मार्च को होने वाली थी प्रतियोगिता। कोरोना की वजह से एशिया के कई देशों ने अपने विकास दर का अनुमान घटाया। सिंगापुर चीन के जीडीपी में भी गिरावट की आशंका। पाकिस्तान के क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी फॉर डॉक्टरेट की उपाधि, इनोवेशन और परोपकार के लिए मिला सम्मान। लोगों की सुरक्षा के लिए आया हिम्मत प्लस ऐप। उबर के साथ दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया है लॉन्च। इमरजेंसी में ड्राइवर का रियल टाइम लोकेशन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को मिलेगा। टी20 रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली को लगा झटका, 9वें से 10वें रैंक पर पहुंचे। ड्यूप्लेसिस ने छोड़ी टी20 और टेस्ट की कप्तानी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने की घोषणा। लियोनेल मेसी और लेविस हैमिल्टन को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का प्रेस्टीजियस अवार्ड। संयुक्त रूप से दोनों विजेता घोषित हुए। दिल्ली में खेलों इंडिया का एंथम लॉन्च हुआ। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया। कई बड़े खिलाड़ी भी मौजूद। फिल्म तेजस में एयरफोर्स पायलट बनी कंगना रनौत। फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।